अनिल वधवा, जेपी सारना आरोही वालों को रेगुलर नहीं किया, प्रिंस तनेजा आरोही वालों के साथ वेंडेटा चल रहा है सब पूरा पूरा टोटल। धीरज सैनी, मैडम एस्टेट पास को पंचकुला बुला लो। मनोज कुमार, वी विल सी अबाउट इट। जिन लोगों का मैटर होता है वो खुद ही नहीं पहुंचते हैं पंचकुला, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैत्री दहिया, पीआरटी वैकेंसी आएंगी मैम? पीआरटी वैकेंसीज तो ऐसा है जी कि इन्होंने आधे टाइम बाहर कुछ बोलते हैं, कोर्ट में कुछ बोलते हैं, विधानसभा में कुछ बोलते हैं, तो वही चीजें तो सामने लानी है हरियाणा के कि नाटक क्या चल रहा है। असल में पूरा जो शिक्षा जगत है ना, वो मुझे लगता है टारगेट पे है, शायद यही एजेंडा है कि शिक्षा को जड़ से खत्म कैसे करें। आप नहीं तो सोचिए कि जो योग्य है, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनकी भर्तियां रद्द करके, उनको हटा के उनकी जगह आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं वो पढ़ाएंगे बच्चों को। एस्टेट वेस्टेट गया सब भाड़ में, एनटीटी का किसी भी लोकल इससे क्या कहते हैं कंप्यूटर लैब से आप ला के वो सर्टिफिकेट और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है, ये जड़ से शिक्षा ही तो खत्म कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, टीचर्स को खत्म कर रहे हैं। ये सिर्फ एक शगुफा सा छोड़ देते हैं, एक जुमला सा छोड़ देते हैं कि अब हम ये करेंगे, अब हम ये करने वाले हैं, अब हम ऐसे करने वाले हैं, करना वरना कुछ नहीं है। एक बात ये बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है कि जो मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं उनके आने के बाद एक भी शिक्षक की भर्ती हुई है? जितनी भर्तियां और ये पिछले शिक्षा मंत्री निकाल के गए थे वो भर्तियां वो लगे हैं, इनके आने के बाद तो शिक्षक हटे हैं, स्कूलों की हालत जर्जर हुई है, निजीकरण बढ़ रहा है, एक भी शिक्षक लगा नहीं है। कौन लग रहे हैं, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो हट जाते हैं, पद भार उनका खत्म हो जाता, उनको ही दोबारा एंगेज कर लेते हैं, या फिर क्या बात करते हैं, अनुबंध पे लगाएंगे। क्यों भाई, क्यों लगाओगे अनुबंध पे? ये एस्टेट किस लिए ले रहे थे? ये 100-100 करोड़ के घोटाले हो जाएंगे फिर तो। आपने इतना इतना पैसा कमा लिया इन बच्चों से, तो इन बच्चों की रेगुलर भर्ती क्यों नहीं? खैर, आज हम बात करेंगे सभी भर्तियों के बारे में, और सबसे ज्यादा मैं पीजीटी के बारे में बात करना चाहती हूँ। पीजीटी, टीजीटी, आरोही, जेबीटी के बारे में हम ऑलरेडी एक बार कवर कर चुके हैं पूरा अच्छे से कि उसका इन्होंने नाटक कैसे बना रखा है, बाहर क्या क्या बोलते हैं, उसको कोर्ट में क्या बोलते हैं, विधानसभा में क्या बोलते हैं। ये सरकार केवल आश्वासन जीवी सरकार रह गई है शिक्षा के मामले में। शिक्षा का बहुत बुरा हाल हो चुका है, और हर एक शिक्षित व्यक्ति को बाहर आके, हरियाणा के हर एक शिक्षित व्यक्ति को इसके बारे में सवाल करने चाहिए, चाहे वे पक्ष से हो, चाहे वे विपक्ष से हो, चाहे उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ हो, लेकिन आपको ये सवाल करने बनते हैं। यदि हमें एक शिक्षित समाज चाहिए, हमें शिक्षित बच्चे चाहिए, हमें अच्छे समाज की यदि स्थापना करनी है, तो हमें पूछने ही पूछने पड़ेंगे भाई ये सवाल। पढ़े लिखे बच्चे पकोड़े नहीं तल सकते हैं, पढ़े लिखे बच्चे ये जो टिकटॉक वगैरह इन पे रील्स पे सोशल मीडिया पे ये पैसे नहीं कमा सकते हैं। पढ़े लिखे बच्चों को तो भैया एक सेन बढ़िया सा रोजगार चाहिए, ताकि वो अपने जो ड्रीम्स है कि भाई मुझे बच्चों को पढ़ाना है, वो पूरा कर सके, दिल से पढ़ा सके। पीजीटी वैकेंसी के बाद तुरंत टीजीटी आरोही एंड देन अनुबंध के ऊपर जरूर बात करना चाहूंगी मैं। जो ये अनुबंध वाला नाटक करा है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके पे ये लेंगे, तो उसके ऊपर जरूर बात करूंगी, और उसके ऊपर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप लोग भी मिलकर उसके लिए आवाज उठाएंगे। 2009 से टीजीटी की वैकेंसी नहीं आ रही है, बहुत सारे टीजीटी के ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पेंडिंग है जो 2006 से ही नहीं आ रहे हैं, तो मौजूदा सरकार ही नहीं, पिछली सरकार भी इसके लिए इक्वली जिम्मेदार है। 2012 से जेबीटी की वैकेंसी नहीं आई है, और 2015 से पीजीटी की वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। पीजीटी के बहुत सारे विषय तो मतलब एडवर्टीजमेंट से ही गायब थे, जैसे ज्योग्राफी एटसेट्रा। तो 26 अगस्त 2019 को एडवर्टाइज होती है 13/2019 विज्ञापन संख्या, जिसमें 3864 पोस्ट पीजीटी एचईएस 2 ग्रुप बी सर्विसेज की पोस्ट निकलती हैं। ये 3827 पोस्ट हरियाणा कैडर और 37 मेवात कैडर के लिए निकलती हैं। अब इसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स मिसिंग होते हैं, तो जो सब्जेक्ट्स मिसिंग होते हैं वो बच्चे बेचारे लगाते हैं आरटीआई, पूछते हैं कि भाई हमारे में कितनी वैकेंसीज है, उनको वैकेंसीज मिल रही है, मैं लगा भी रही हूँ लगातार, सामने सामने लिख भी रही हूँ। एक भाई ने ठीक लिखा, टीजीटी की तो 15 सालों से, संस्कृत की 15 सालों से नहीं आई है, तो मतलब संस्कृत को तो जड़ से खत्म करना है। हाँ, संस्कृत का नाम ले लेके वोट जरूर बटोरने हैं, गीता जयंती समारोह, फलाना समारोह, हमारी संस्कृति, हमारा ये, और करने के नाम पे जीरो। एनीवेज, तो इसमें क्या हुआ, जनरल कैटेगरी से 500 रुपए का फॉर्म भरवाया गया, अदर कैटेगरी से 125 रुपए का फॉर्म भरवाया गया। कहा गया कि मार्च 27 तक आपका एग्जाम ले लेंगे, एग्जाम नहीं लिया,
एस्टेट हो गया, उसी दौरान कहा कि एस्टेट का रिजल्ट आने देते हैं, फिर नहीं री एड करके फिर सितंबर में एग्जाम ले लेंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसी दौरान बीच में दो एस्टेट हो गए इन अभ्यर्थियों के, लेकिन कोई एग्जाम की डेट का कुछ अता पता नहीं। बताया गया 29,700 फॉर्म भरे गए थे पीजीटी कैंडिडेट्स के 3864 पोस्ट के लिए, लेकिन दो एस्टेट बीच में हुए, 11,000 अभ्यर्थी और ऐड हो गए। आपने री एड करना तो री एड करके तुरंत आप भर्ती निकाल दीजिए, आप इनका एग्जाम करवाइए, लेकिन नहीं, लटका के रखना है ना भाई, शिक्षा का तो बेड़ा गर्क करना है, तो वो हो ही रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ, कोविड आ गया तो कोविड चलता रहा, तो उसके बाद भर्ती नदारद है। 2019 से फॉर्म भरवा के छोड़ दिए गए हैं और भर्ती है नदारद। इसी बीच चेयरमैन साहब के तीन बयान आए। पहला बयान ये था कि अगस्त 2021 तक भर्ती करवा देंगे टीजीटी और पीजीटी की, इनकी हमने एडवर्टाइज कर रखी है और ये भर्तियां हम करवाएंगे। सेकंड बयान आया, जनवरी 2022 तक भर्ती करवा देंगे पीजीटी और टीजीटी की। बीच में इन्हें कहा गया कि एग्जाम बाकी हैं, लेकिन इसी दौरान दो एस्टेट आ गए तो उन बच्चों को भी ले लेंगे री एड करके, उनको अभी एग्जाम करवा देंगे। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल बातों तक ना रहे ना, इम्प्लीमेंटेशन पर जाए ये चीज। तीसरा, फरवरी में कहा गया फिर री एड करके, जब ये अभ्यर्थी मिलने गए हैं, करके मार्च तक पेपर ले लेंगे नए क्राइटेरिया से। नया क्राइटेरिया क्या था, सोशियो इकोनॉमिक के अंक, जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनका ससुराल पक्ष माना जाए, मायका पक्ष ना माना जाए, ठीक है। ये तीन चार नई नई चीजें हैं, ये ऐड करके एक ही दिन का काम है, आप तुरंत उसको कर सकते हैं, फटाफट आप टेंडर नोटिस निकाल के, ये 40,000 बच्चे, इनका एग्जाम नहीं हो सकता, एक दिन पंचकुला एग्जाम हो सकता है, लेकिन नहीं, मानसिक प्रताड़ित करना है भाई, मानसिक बीमार करना है इन अभ्यर्थियों को, एजुकेशन का तो बेड़ा गर्क करना है। जब जेबीटी खत्म कर रहे हैं, टीजीटी का पेपर नहीं ले रहे, तो पीजीटी का क्यों ले लेंगे, बेड़ा तो गर्क करना है ना, तो वही चल रहा है। और ना मुझे डर लगता है ये चीज बोलने में, कतई भी, थोड़ी सी भी, इतना सा भी डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि आप शिक्षा का बेड़ा गर्क कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। और ये क्यों मैं ऐसा बोल रही हूं कि आपने ऐसा बयान दिया कि अनुबंध पे ले लेंगे, शिक्षक अनुबंध पे, क्यों भाई, किस लिए? ग्रुप डी आपको पक्के कर्मचारी चाहिए, क्लर्क आपको पक्के चाहिए, शिक्षक आपको कच्चे चाहिए, फिर आप इन्हें लगा लोगे तो आपसे निकलेंगे नहीं 6 महीने बाद ये अभ्यर्थी, क्यों? बड़ी मुश्किल से नौकरियां मिल रही है, अभ्यर्थी झंडे लेके खड़े हो जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, भर्तियां लटकती रहेंगी कोर्ट में, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, और आपने बाहर रेगुलर वालों को क्या बोलना है, जो ये बेचारे ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग बच्चे, उनको आप सीधा सीधा कह दोगे कि भैया कोर्ट में मैटर है, हम क्या करें, क्योंकि एक चौथाई तनख्वाह में आपका काम बन जाएगा, तो आप क्यों तनख्वाह फालतू दोगे? स्कूलों का सुधार करना पड़ जाएगा, क्यों करोगे सुधार? कच्चे टीचरों की कौन पूछता है, अनुबंध वाले कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर्स की कौन सुनता है? इसमें दूसरा इशू बड़ा आया कि ये तो ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है, इसे एचपीएससी कराएगा कि एचएसएससी कराएगा, ये मतलब इसमें इतने ज्यादा कंफ्यूज रहे कि इसको किसको कराना चाहिए। और इसी बीच ये लोग अपने खुद के लेटर्स भूल गए, जो कि ये खुद के लेटर्स क्या भूल गए, मैं बताना चाहूंगी कि ये लोग अपनी खुद की अमेंडमेंट भूल गए। इन्होंने गजट अमेंडमेंट निकाली थी, मैं पढ़ के बताऊंगी। 10 जनवरी 2006 को हरियाणा गजट में प्रकाशित हुई थी, इसमें लिखा था द कमीशन शेल बी कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली पहला ही पॉइंट है ए, इनिशियल अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप बी गजेटेड एंड नॉन गजेटेड ग्रुप सी पोस्ट अंडर डैश एंड डैश एंड डैश सो एंड सो। तो आप खुद लिख रहे हो कि ग्रुप बी की कुछ गजेटेड अपॉइंटमेंट्स करवा सकता है कमीशन। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से लेटर जाता है हरियाणा से 12 जनवरी 2006 को, जिसमें सेकेंड पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में लास्ट में लिखा है इनिशियल रिक्रूटमेंट्स ऑफ ऑल ग्रुप बी पोस्ट वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द कमीशन। विच कमीशन? एचपीएससी। ऑन फर्दर कंसिडरेशन ऑफ द मैटर द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एंट्रस्ट द वर्क रिलेटिंग टू द इनिशियल रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप बी पोस्ट ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर विच अ नोटिफिकेशन बियरिंग नंबर GSR1/ Constitution / Article 309/2006 dated 10/1/2006 has been issued। आपने खुद कह दिया है कि इसे HSSC करा सकता है, तो क्या बड़ी बात है? इसमें क्यों बच्चों को उलझा रखा है कि नहीं भैया हम इसे नहीं कराएंगे, HSSC इसे नहीं कराएगा, HPSC इसे कराएगा?
क्यों? क्योंकि अभ्यर्थियों के पास कागज नहीं होते हैं, और अभ्यर्थी अगर कागज दिखाते हैं तो आपको खुद नहीं पता होता कि ऐसा कोई कागज निकला हुआ है, तो आप कहते हैं कि हम डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करने के बाद इसको देखेंगे और ठीक है हम इसे एग्जाम करा लेंगे। अरे व्हाट रबिश, आप इस चीज को क्यों नहीं करा रहे हैं? कितनी छोटी सी चीज है, 40,000 बच्चे करवाओ भाई, शिक्षित शिक्षा अफेक्ट हो रही है, बच्चों को वहां पर लगाओ और काम शुरू करो स्कूलों का। अनुबंध पे भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती, दिहाड़ीदार चाहिए, शिक्षक नहीं चाहिए, और शिक्षकों से फिर करवाते क्या क्या काम है पता नहीं क्या क्या, शिक्षा को छोड़ के सब कुछ काम ठेके पे। जेबीटी पीआरटी कहा सरप्लस है, लेकिन अखबार पे एक रिपोर्ट आई पीछे जिसने हिला के रख दिया, उसमें था 3846 पद रिक्त। पीजीटी के हालांकि इन्होंने 3864 पोस्ट निकाली हुई, लेकिन उस अखबार की रिपोर्ट के हिसाब से 13,974 पद रिक्त है। टीजीटी के तो 20,467 पद रिक्त है, और ग्रुप डी के 6,662, मतलब ग्रुप डी इन स्कूल्स और प्रिंसिपल और पता नहीं नॉन टीचिंग स्टाफ बाकी कितना। कुल वैकेंसी 46,459 है स्कूल्स में, 46459 वैकेंसीज इन स्कूल्स। कितने बड़े स्तर पे कितने ज्यादा लोग स्कूलों में चाहिए, लेकिन अब इन्होंने उस जो मैं रिपोर्ट पढ़ा कि अनुबंध पे सरकारी स्कूल में अनुबंध पे लगेंगे शिक्षक, उसके उसको मैं पढ़ना चाहूंगी अभी। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद स्कूलों में नियमित पढ़ाई शुरू हो गई है, वार्षिक परीक्षाएं सिर पर है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों में एक तिहाई पद खाली है। क्यों है खाली? क्योंकि आप लगाते ही नहीं, आप शिक्षक भर्ती नहीं करते, आप तो बाहर निकालते हो इन्हें। इसमें शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। ओ माय गॉड, यू आर सो वरीड अबाउट शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है, तो आप सो रहे थे अब तक। इस समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने पक्की भर्तियां होने तक अनुबंध आधार पर शिक्षक लगाने की योजना बनाई है। व्हाट अ ब्रिलियंट योजना, नहीं? 2019 से पीजीटी का निकाल रखा है, पीआरटी के लिए आप बार बार बोल रहे हो सरप्लस है सरप्लस है, टीजीटी के बारे में तो आप भूल ही गए हो कि ये कोई होते भी हैं टीचर्स, और उसके बाद आप लिख रहे हो कि इस समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने पक्की भर्तियां होने तक अनुबंध आधार पर शिक्षक लगाने की योजना बनाई है। मजाक उड़ा रहे हैं आप तो बच्चों का। उसके बाद कौशल रोजगार निगम के जरिए यह भर्तियां होगी, ये है मेन पॉइंट। कौशल निगम, ये जो कौशल रोजगार निगम जो बना है ना, ये ठेकेदारी प्रथा ही है कि अब प्राइवेट ठेकेदार नहीं होगा, अब सरकार खुद ठेकेदार होगी। क्या फर्क रहा इसमें? इसमें मेजर फर्क मैं बताऊं, जो ठेके पे भर्तियां होती थी ना, उन्हें काउंट नहीं किया जाता था एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ठेकेदारी पे जो भर्तियां होगी, अब उसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काउंट किया जाएगा। तो अगर अब ये 100 बंदे भी लगाएंगे ठेके पे जिसमें सरकार है ठेकेदार, उसको काउंट किया जाएगा कि हमने इतना एम्प्लॉयमेंट दिया। व्हाट इज द डिफरेंस? पहले प्राइवेट कर रहा था, अब सरकार करेगी। रेगुलर क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? ये क्या, आपने क्या, ये पूरा मजाक है ये पूरी पूरी रिपोर्ट। लेट्स रीड फर्दर। वर्तमान में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 32% पद खाली हैं, एक तिहाई पद खाली हैं। इनमें सबसे ज्यादा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी व पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के पद रिक्त हैं। इतना ही नहीं, स्वीकृत पदों के मुकाबले रिक्तियों में लगातार इजाफा हो रहा है। MIS पोर्टल पर देख सकते हैं। विधानसभा में भी यह मुद्दा लगातार उठता रहा है। शिक्षा विभाग में नियमित भर्ती न होने के कारण स्कूलों में शिक्षकों की कमी लगातार बढ़ रही है। सबसे ज्यादा टीजीटी के 55% पद खाली हैं, 55%, हाफ से ज्यादा पद खाली है टीजीटी के। तो आप ना शिक्षा का खुद बेड़ा गर्क कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि देखो बच्चे स्कूलों में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आप शिक्षक भर्ती नहीं करते। स्कूलों को फिर ताला लगाना आसान हो जाएगा, शिक्षक भर्ती ना करो बच्चे नहीं आएंगे। आप कहना देखो बच्चे नहीं आते, अब हम क्या करें, अब सरकार क्या करे भाई, तो ताला लगा देते हैं। धीरे धीरे निजीकरण कर दीजिए उस चीज का। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए रोजगार कौशल निगम को अनुबंध आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने का जिम्मा दिया गया है। HSSC किस लिए? Why is HPSC there? Why is HSSC there? रोजगार कौशल निगम नया धंधा, वेरी गुड। नए सत्र में इसकी शुरुआत हो जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुज्जर ने बताया कि शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जरिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
ये है इनका एक जुमला जो लगातार चल रहा है जब से सरकार बनी है। शिक्षा मंत्री यही लाइन हर जगह, विधानसभा में, मीडिया में, हर जगह यही बोलते हैं कि भर्ती जो प्रक्रिया चल रही है, बताओ मैं कहाँ है भर्ती प्रक्रिया, कोई पूछे इनसे कहाँ है भर्ती प्रक्रिया। गुस्सा जायज है, ये जो मेरा गुस्सा जो मैं दिख रहा है ना आपको, ये क्यूमुलेटिव गुस्सा है बहुत सारे बच्चों का। आप इन बच्चों से मिलके देखिए ना, आपको पता चले, आप जाने और आपके पास कितनी बार तो आ चुके हैं, आप तो आश्वासन मंत्री हो चुके हैं, आप शिक्षा मंत्री थोड़े हैं, आप तो इन्हें आश्वासन देते हैं और भेज देते हैं। कौन सी भर्ती प्रक्रिया चल रही है भाई, बताइए बताइए सर। दोबारा, शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जरिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। भर्ती प्रक्रिया चल नहीं रही है, भर्ती प्रक्रिया चलने का नाटक चल रहा है। सिर्फ आपने एडवर्टाइज करके बच्चों से फॉर्म के पैसे बटोर के उन्हें एक आस में लगा के छोड़ रखा है, दैट्स इट। नियमित भर्ती प्रक्रिया सिरे चढ़ाने तक कौशल रोजगार निगम के जरिए अनुबंध आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। वो तो लाइनें इतनी गजब लिखते हैं ना कि भाई जब तक रेगुलर भर्ती ना हो ना तब तक हम लोग कौशल रोजगार निगम तक उससे लगा लेंगे, एंड देन बड़ा आसान होगा इन शिक्षकों को हटाना, है ना। पागल समझ रखा है हर एक बच्चे को, पागल समझ लिया शिक्षकों को, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है हरियाणा में। कहां तो हम सोच रहे थे कि स्कूल मॉडर्नाइज होंगे, यहां स्कूलों की छतें सिर पे गिरती रहती है बच्चों के, बच्चे मरने से बचते रहते हैं। दिल्ली का करने चलेंगे मुकाबला, अरे दिल्ली के आसपास भी नहीं है हरियाणा, वहां का स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, शिक्षकों को देख लीजिए। और जो लोग बकवास करते हैं ना कि शिक्षक काम नहीं करते हैं, तो ये काम ना सरकार का है, लगाए और उनकी लगाम खींच दे, फिर देखे वो कैसे काम नहीं करते हैं, फिर देखे वो कैसे लेट आते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए भाई, हर एक चीज, हर एक काम करने के लिए इच्छा शक्ति होगी तो ही काम होंगे, अदरवाइज तो ये आश्वासन चलेंगे, जुमले चलेंगे, शगुफे चलेंगे, जिसने सुनने हैं सुनो, जिसने पागल बनना है बनो। आरोही का था, आरोही का सितंबर 2019 में एग्जाम हो चुका था, 1000 रुपए का फॉर्म था इसका, बच्चों ने दो दो तीन तीन हजार के फॉर्म भरे थे। टीचिंग नॉन टीचिंग की पोस्ट थी, 895 पदों के लिए भर्ती हुई थी, 35,000 आवेदन गए थे आरोही के लिए। सेकेंडरी शिक्षा विभाग ने निदेशालय के निर्णय के अनुसार इन पदों को भरने के लिए जारी विज्ञापन वापस ले लिया है, इसलिए परिणाम रद्द। बच्चों की मेहनत भाड़ में गई, सपने भाड़ में गए, हर एक चीज भाड़ में गई, उन मानसिक बीमार कर दिए इन्होंने बच्चे, मानसिक रोगी बना दिए। पकोड़े नहीं तल सकते हैं भाई, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, पढ़ा ही सकते हैं, कुछ भी काम करेंगे तो पढ़े लिखे वाला ही काम करेंगे। ये टिकटॉक पे वीडियोस, ये पकोड़े तलना, ये गोबर बेचना, ये नहीं कर सकते बच्चे, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि ये बच्चे ये करेंगे। आरोही की भर्ती क्यों रद्द हुई, वेंडेटा पॉलिटिक्स के चलते रद्द हुई। आपने एडवर्टीजमेंट में जो लिख रखा है उसके हिसाब से आप एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं करते हैं, भर्ती क्यों नहीं करते हैं, आप बीच में उसमें कुछ भी चेंज कर देंगे तो बच्चों की भर्ती रद्द, आप नए सर्विस रूल बना देंगे तो बच्चों की भर्ती रद्द। अरे वाय रद्द, अमेंड कर लो, वैसे उसका क्या कोई भी तरीका नहीं निकल सकता, लीगल क्या कुछ भी नहीं निकल सकता, निकल सकता है लेकिन आपको निकालना नहीं है, आपको क्योंकि शिक्षा का बेड़ा गर्क करना है, आप वही तो कर रहे हो, वही हो रहा है। आरोही के एक अभ्यर्थी का मेरे पास मैसेज आया था, और हालांकि मैं इन लोगों से जुड़ी हुई थी, वो मैसेज मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगी, मैंने लिखा भी था यहाँ पे। तो ये देखना खेल क्या होता है, उन अभ्यर्थी ने जिस दिन रद्द हुई है ये भर्ती, लिखा था मुझे, शिक्षा मंत्री जी को भर्ती की जानकारी नहीं, डिप्टी सीएम भर्ती को रद्द नहीं होने देंगे, सीएम भर्ती के बारे में देखेंगे, श्री डीएस ढेसी जी के अनुसार भर्ती पूरी होनी चाहिए, श्री अमित अग्रवाल जी के पास ऐसी कोई फाइल अभी तक नहीं पहुंची, उनके अनुसार भर्ती पूरी होनी चाहिए। श्री कृष्ण बेदी जी आरोही मॉडल स्कूलों को बंद कर चुके हैं, वे भर्ती रद्द कर चुके हैं। तो आप ये देखिए कि आपस में ही किसी को नहीं पता है कि ऐसी कोई भर्ती निकली थी या नहीं निकली थी, किसी के अनुसार वो रद्द होनी चाहिए, किसी के अनुसार नहीं होनी चाहिए, किसी के पास फाइल नहीं पहुंची, किसी के पास पहुंच गई तो उन्होंने पहले ही आरोही स्कूलों को बंद करवा दिया, कोई आश्वासन दे रहा है कि हाँ तुम्हारी भर्ती रद्द नहीं होने देंगे, कोई ये कह रहा है कि उस भर्ती के बारे में बाद में देखेंगे। बच्चे जाओ भाड़ में, कुछ नहीं लेना है, शिक्षक जाओ भाड़ में, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, जिन्होंने एग्जाम दिया, जिन्होंने सब कुछ दिया, वो जाओ भाड़ में, है ना। दिनेश दहिया, टीच इट इंग्लिश आर बीइंग मर्डर्ड, एवरीबॉडी इज बीइंग एवरीवन हु इज अ टीचर इज बीइंग मर्डर्ड, उसके सपनों का कत्ल हो रहा है, सपनों का कत्ल हो रहा है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है उसका कत्ल हो रहा है, यहाँ बच्चों की शिक्षा का कत्ल हो रहा है,
तो यहाँ केवल टीजीटी इंग्लिश की बात थी, अब पीजीटी संस्कृत उठा लो, आरोही उठा लो, ये तो ऐसी भर्तियां हैं जो ज्वाइनिंग ही बाकी थी जिसमें नहीं हुई। मतलब आप सोच के देखो, एक तो फॉर्म भरना, फॉर्म भर के वेट करना, वो एक अलग तरीके की मानसिक प्रताड़ना है। एक फॉर्म भर के आपने एग्जाम दे दिया, आपने क्लियर कर लिया, आपने इंटरव्यू निकाल लिया, आपने सब कर दिया, आप ज्वाइनिंग देख रहे हो, बैठ के ज्वाइनिंग की बात देख रहे हो, वो अलग तरीके की मानसिक प्रताड़ना है, वो तो आपको तोड़ देती है अंदर से। क्या किया जा रहा है, एलिजिबल कैंडिडेट्स को, ऑनेस्ट कैंडिडेट्स को, हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स को ना तोड़ा जा रहा है अंदर से, मानसिक तौर पे ऐसे तोड़ रहे हैं ऐसे बुरे तरीके से, कि आपको शिक्षा ही, शिक्षा जगत ही मिला है तोड़ने के लिए। क्यों तोड़ा जा रहा है शिक्षा जगत को, क्योंकि पढ़े के तभी तो सवाल पूछेंगे। न्यूज रिपोर्ट में आया था एक में कि कोरोना काल में नए दाखिले 43,000 का आंकड़ा पार कर गए। पहले मतलब पहली जो लहर थी उसके टाइम पे 43,000 का आंकड़ा पार कर चुके थे, दूसरी लहर में पता नहीं कितने और पार कर गए होंगे। शिक्षकों की तो जरूरत बहुत ज्यादा है, समझ इनको भी आ रहा है। देखो अनुबंध पे लगाने हैं तो भाई शिक्षक नहीं है, देखो जी अनुबंध पे लगाने पड़ेंगे, अनुबंध पे लगाने हैं तो देख लो इनके 4,500 पीआरटी वाले भी पैदा हो गए नए शिक्षक, अदरवाइज कोर्ट में देख लो क्या बोलते हैं, हमारे पास सरप्लस है लेकिन अनुबंध पे लगाने हैं तो हैं, तो पद खाली है। कोर्ट में कहने के लिए कुछ और, यहां कहने के लिए कुछ और, विधानसभा में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। व्हाई इज दैट, भर्ती प्रक्रिया चल रही है, कमाल कर दिया है। एस्टेट के नाम पे लूट, एस्टेट को सी टेट के बराबर करके हरियाणा के अभ्यर्थियों के साथ धोखा, उसके बाद भर्तियां रद्द, आरोही, पीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश, उसके बाद भर्तियां एडवर्टाइज करके एग्जाम भूल जाना, पीजीटी की बहुत सारी भर्तियां 3800 कुछ। विधानसभा में झूठी खोखली बयानबाजी, आश्वासन, आश्वासन जीवी सरकार, आंगनबाड़ी, एनटीटी, पता नहीं कैसे कैसे शगुफे बीच बीच में छोड़ देना कि अभ्यर्थी बस मानसिक परेशान रहे, बार बार इधर उधर जाके पूछे कि हमारा क्या कसूर जी, हम तो एस्टेट किए बैठे हैं, बस ये एक एक शब्द ही तो बोलना है, उसके बाद अभ्यर्थी अपना सोशल मीडिया पे रहेंगे तंग। अनुबंध पे भर्ती, अब नया शगुफा है। दुर्भाग्य की बात है हरियाणा के लिए कि हमारी प्राथमिकता शिक्षा नहीं है, एजुकेशन इज नॉट आर प्रायोरिटी, ये बहुत ही दुखद बात है। जगबीर सिंह लिखते हैं 3.5 लाख बच्चे बढ़े हैं कोरोना में, तो 3.5 लाख बच्चों के हिसाब से क्या शिक्षक बढ़े हैं? नहीं, शिक्षक तो कम हुए हैं, रिटायर भी तो हो रहे हैं, लगे तो एक भी नहीं। कुछ विपक्षी नकली है, बिल्कुल संदीप माचरा, विपक्ष बिल्कुल, हम मुझे बोलने की क्या जरूरत है, अभ्यर्थियों को धक्के खाने की क्या जरूरत है यदि विपक्ष इन चीजों को बोले तो। एजुकेशन इज नॉट आवर प्रायोरिटी, दैट्स वाई अ वेल क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड मिनिस्टर इज नॉट गिवन द चार्ज ऑफ दिस मिनिस्ट्री। कड़वा है लेकिन सच है, एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा का भट्टा बैठाना है प्राथमिकता, स्कूलों को ताले लगाकर प्राइवेट को मुनाफा देना है प्राथमिकता, जुमलेबाजी आश्वासन देकर टाइम निकालना है प्राथमिकता, फॉर्म्स निकालकर पैसे बटोरना है प्राथमिकता, नियमित अध्यापकों को हटाकर नियुक्तियों की प्रक्रिया रद्द करके आंगनबाड़ी वर्करों वाला शगुफा छोड़ना या एंटिटी वाला शगुफा छोड़ना, किस तरीके का समाज बनाना चाह रहे हो भाई? पढ़े लिखे बच्चे ना पढ़ाए बच्चों को, आंगनबाड़ी वर्कर्स पढ़ाए, मैं ये नहीं कह रही आंगनबाड़ी पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन जो एस्टेट पास है आपने तो उसको बिल्कुल ऐसे धरती के नीचे गाड़ दिया। पीटीआई को भूल गए, पीटीआई को क्यों भूल गई, मैं तो कह रही हूं कि इन्होंने रद्द ज्यादा करे हैं, बाहर ज्यादा निकाले हैं, इन्होंने नियुक्ति तो एक भी नहीं करी, ड्राइंग टीचर निकाल दिए, पीटीआई निकाल दिए, सब निकाल दिए, शिक्षक समाज इनके टारगेट पर है, शिक्षक लगाए नहीं गए हैं, हटाए गए हैं, बयानबाजी कर रही है बस। शिक्षा व्यवस्था खुद फेल करेंगे, फिर कहेंगे कि स्कूल में बच्चे नहीं है, अब अध्यापक नहीं होंगे तो बच्चे कहां से आएंगे भाई? निजीकरण करना है, स्कूलों को ताला लगाना है ना, जैसा अनुबंध पे ये जो शिक्षक लगाने की बात कर रहे हैं ना, वैसे स्पेशल एजुकेटर हैं यूपी में, उनके हालात बहुत बुरे हैं, जो हरियाणा में ये सोचा जा रहा है ना कौशल निगम के तहत। एक्चुअली में थोड़ी सी पारदर्शिता के पीछे ना ये कुछ बच्चे लगे हैं गरीब घरों से, उसके पीछे एक मुझे लगता है बहुत बड़ा माया जाल है, बहुत बड़ा, बहुत, और उसको काबू करना बहुत जरूरी है। खास करके शिक्षा जगत में हमें कोई कोताही नहीं चाहिए,
हमें रेगुलर भर्तियां चाहिए और अच्छे शिक्षक चाहिए। क्या एजेंडा? मिशन मैरिट। बोल बोल के बोला कुछ और जा रहा है, लेकिन मेरिटोरियस बच्चे को तो एक्चुअली में तिल तिल करके मारा जा रहा है। मेरिटोरियस हार्डवर्किंग एलिजिबल अभ्यर्थी जो है उसको दिहाड़ीदार बनाना चाहते हैं आप, ये है सच्चाई। रेगुलर भर्ती रद्द करो, कॉन्ट्रैक्ट पे लगाओ। उनको हटाने की बारी आएगी तो वो सड़कों पे उतर जाएंगे, फिर उनके ऊपर डंडे बरसाओ, फिर वो कोर्ट में चले जाएंगे, फिर भर्तियां लटक जाएं, फिर रेगुलर भर्ती करवाने के नाम पे आपको हो कि मामला कोर्ट में लटका हुआ है। एलिजिबल ऑनेस्ट हार्डवर्किंग बच्चा क्या करेगा? ओवर एज हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, डिप्रेशन में आके मर जाएगा। अनुबंध क्या है? प्राइवेट ठेकेदार को हटा के खुद ठेकेदार बन रहे हो हरियाणा कौशल निगम के तहत, जो भी भैया पहले कोई और लगाता था अब हम लगाएंगे। तो ये जो चीजें है ना, ये बहुत गलत हो रही है। मतलब कि क्या बोले, मतलब आपने हर स्तर पे मतलब शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं ये कहने से चुकूंगी नहीं कि हमारे जो मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं इसमें बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, शायद किसी को भी शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है कि इन शिक्षकों के साथ क्या किया जा रहा है। स्कूलों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है और करना भी नहीं चाहते हैं। शायद प्राइवेट शिक्षा को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। कहां हम ये चाहते थे, मेरी सोच ऐसी थी और मेरे बहुत सारे और लोगों की भी ऐसी सोच है कि वन एजुकेशन फॉर ऑल। गरीब का बच्चा भी वहीं जा रहा है, अमीर का बच्चा वहीं जा रहा है। वेस्ट में होता है ऐसे, एक स्कूल है, सब वहीं पे जा रहे हैं। क्या ऐसा बन सकती है? क्या ऐसी सोसाइटी हमारी बन सकती है? लोग बोलते हैं कि भाई सरकारी टीचर पढ़ाते नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत हद तक टीचर्स भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनके ऊपर सख्ताई ना होना है। खींच के रख दो, ऐसी सख्ताई कर दो, रिजल्ट्स इनके देखो, इनकी परफॉर्मेंसेस देखो, इनके रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट लिए जाएं, जो ना क्लियर कर पाए उनको बाहर का रास्ता दिखा दो, एफिशिएंसी लाओ सिस्टम के अंदर। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, हमारा यहां पे बच्चा हिंदी तक में शुद्ध हिंदी में बात नहीं कर पाता है, कॉन्फिडेंस लेवल जीरो है। रिटायर्ड टीचर्स को वापस ले रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आपका हरियाणा का युवा बेरोजगार घूम रहा है, आपको चाहिए कि वो एक चौथाई तनख्वाह पे आके पढ़ा दे, और वो भी करने के लिए तैयार है। 6 महीने आप उसे लगा के बाद में नाटक करेंगे रेगुलर भर्ती का दोबारा से। क्या है आपकी मंशा? आपकी मंशा साफ नजर आती है इसमें कि आपको शिक्षा से कुछ नहीं लेना देना। वहां से कितनी कमाई हो सकती है, एस्टेट से जितनी हो सकती थी उतनी कमाई की गई, जानबूझ के गवर्नमेंट से बंद करके प्राइवेट में किया गया। आप केवल और केवल प्राइवेट वालों का भला कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस का, प्राइवेट स्कूलों का, प्राइवेट हर एक चीज, निजीकरण बस प्राइवेट, प्राइवेट के हाथों में सरकारी स्कूलों को गोद दे देना। सोनीपत में किए ना, बहुत बड़ी जमीन होती है सरकारी जमीन जहां सरकारी स्कूल बना होता है, उसको जो मॉडर्नाइज करेगा क्या प्राइवेट ही करेगा? सरकार नहीं कर सकती, कितना आता है खर्चा? आप एक बार इच्छा शक्ति और मंशा के साथ खड़े तो हो कि एजुकेशन हमने ओवरहॉल करनी है, हमने यहां पे चीजें ठीक करनी है, बदल के देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, देखें बच्चे क्यों नहीं आएंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि मैडम आपके बच्चे कहां जाते हैं? सरकारी स्कूल में जाते हैं। गवर्नमेंट एक बार बीड़ा उठा ले कि सरकारी स्कूलों को बदलना है, दिल्ली की तरह बदल के दिखा दे, फिर ना अपने बच्चों को भेजू फिर बोलना। अभी तो टॉयलेट तक की सुविधाएं नहीं है वहां पे, किसका काम है ये? मैं बनवाऊंगी, आप बनवाओगे, टैक्स नहीं भर रहे हम, किसके पास जा रहा है टैक्स का पैसा? किसके लिए जा रहा है? उनकी तनख्वाह के लिए जा रहा है, पेंशन के लिए जा रहा है, उनके आराम ऐशो आराम के लिए जा रहा है? उसके अलावा और कुछ नहीं करना? उसके अलावा समाज के लिए भी तो कुछ करना है। समाज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? शिक्षा है। बदल दो ना इंफ्रास्ट्रक्चर। कितने जिले हैं, कितने स्कूल, कितने कितने जिलों में होंगे टोटल स्कूल्स, कितना उसके ऊपर क्या खर्चा आएगा?
इट इज नॉट मच। और अगर आप समाज से मांगोगे ना इस चीज के लिए कि समाज आगे आके आपकी मदद करे, तो मैं ये चीज जानती हूं एक एक आदमी मजदूर तक भी ना अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के इस चीज के लिए दे देगा कि आप बदलो तो सही। हर एक इंसान, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दिहाड़ीदार मजदूर हो, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है ताकि उसका भविष्य सुधरे, बदले। अच्छी शिक्षा अच्छे शिक्षकों के साथ आती है। आप तो शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, आपने शिक्षा का बेड़ा गरक कर दिया, आपने JBT, PGT, TGT, असिस्टेंट प्रोफेसर सबका मतलब इतना ज्यादा मानसिक शोषण हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं, और आपको समझ नहीं आ रही है। आप अब भी बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती, व्हाई कॉन्ट्रैक्ट? वी डू नॉट वॉन्ट कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां, वी वॉन्ट रेगुलर भर्तियां। आपने कहा था कि आगे से कोई कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती नहीं होगी, तो अब ये क्या है? सबसे ज्यादा जो आप ये नारे लगाते हो ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा महिलाएं हैं जो शिक्षक बनने की इच्छुक हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं हैं जिन्होंने एस्टेट पास किया है, JBT, TGT, PGT। ये महिलाएं हैं जो अपना और आगे बच्चों का सुधार करना चाहती हैं, लेकिन आपने बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया है। एक्चुअल में उसका मीनिंग नहीं जाना ना आपने, जाना होता तो ऐसी खबर ना छपी होती अखबार में। मेरे हाथ जोड़ के विनती है सभी शिक्षकों से, सभी हरियाणा के शिक्षित वर्ग से, समाज से, कि देखिए आपकी कोई भी राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, आप किसी भी पार्टी के साथ हो सकते हैं, आप कुछ भी, कांग्रेस BJP ये सब छोड़ के ना एक शिक्षित समाज के निर्माण में अपना सहयोग दे। और वो कैसे हो सकता है? वो सरकार से सवाल करने से हो सकता है, वो उन्हें बार बार कहने से हो सकता है कि वैकेंसीज निकालें, वो इनके कान में बार बार डालने से हो सकता है कि सरकारी स्कूलों की जर्जर हालात को ठीक करें। क्यों प्राइवेट प्लेयर को इंक्लूड करना है? क्यों गवर्नमेंट ही इसका खुद का पूरा पूरा इसका ठेका लेना है ना, तो ठेका लो स्कूलों को सुधारने का, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का ठेका लो कि भाई एक साल के भीतर भीतर ये जितनी 40-46 हजार वैकेंसीज है ना, ये पूरी करके हम दिखा देंगे, JBT भी हम लगा देंगे, PRT भी, TGT भी, PGT भी, और वो भी बिल्कुल योग्य कैंडिडेट्स को, तब माने हम कि आपने कुछ किया है, तब माने हम कि हाँ ये सरकार बहुत बढ़िया है। तब आपके साथ क्यों नहीं खड़ा होगा युवा, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आपको वोट करेगा यदि आप कुछ करोगे तो? लेकिन आप ऐसे मानसिक प्रताड़ित करोगे तो कौन आपके साथ आके खड़ा होगा? सवाल ही उठेंगे, और सवाल उठने बहुत जायज हैं। लेट मी टेल यू एवरीवन टू एवरीबॉडी हु इज अ शिक्षक, JBT, PGT, TGT, जिस भी चीज की आप वेट कर रहे हैं, जो भी है, सवाल करें, बात करें, अपने अपने लोकल MP, MLAs सबसे बात करें, सबको कहें कि हम तुम्हें वोट क्यों दें जब तुम बिल्कुल समाज के बारे में नहीं सोच रहे हो, जब तुम बेसिक चीज एजुकेशन के बारे में नहीं सोच रहे हो, जब तुम ये चीजें होने दे रहे हो। आज इतना बुरा हाल हो चुका है युवा का कि जब ये दिख रहा है ना अनुबंध पे भर्तियां निकलेंगी, उस पे भी लगने को तैयार है, क्योंकि घर में रोटी नहीं है खाने के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा, शादियां नहीं हो रही है बच्चों की, कुछ तो करना पड़ेगा कहीं, तो कैसे भी करके बस नौकरी मिल जाए, नौकरी मिलने के बाद उसको रेगुलर करने के लिए बाद में डंडे खा लेंगे, लड़ लेंगे, कोर्ट की कार्रवाई कर लेंगे, वो अलग बात है। ऐसा आपने कर दिया है, क्यों नहीं रेगुलर भर्तियां? ये क्या बकवास थी, क्या रिपोर्ट है? क्यों विधानसभा में बार बार कहा जाता है कि रेगुलर भर्ती चल रही है, प्रक्रिया चल रही है? कहां चल रही है प्रक्रिया? आप तो सरेआम झूठ बोल रहे हैं, आप तो एडवर्टीजमेंट निकाल के आगे वो प्रक्रिया बढ़ाई नहीं है, आपने तो बस एडवर्टीजमेंट निकाल के ना उसको बस एक बोलने के लिए रख लिया, दैट्स इट। एनीवेज, बेरोजगारी में हम नंबर 1 पे हैं और शिक्षक सबसे ज्यादा टारगेटेड है मुझे लगता है, और शिक्षक शिक्षा जगत का सबसे ज्यादा भट्टा बैठा हुआ है और बैठने लग रहा है विद टाइम। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सबको, हम सभी को इस चीज के लिए आवाज बार 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 उठानी पड़ेगी, और केवल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ही नहीं, जो लोकल हमारे नेता हैं उन सबको बोलना पड़ेगा कि वो आगे निकल के बोलें इस चीज के लिए। हमारी आवाज भी उनके कानों तक पहुंच रही है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं पहुंच रही है, लेकिन जो ये हरियाणा कौशल निगम, ये फलाना ढिमका, ये चीज बनी है ना, ये बनी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां करके उस चीज को रख देंगे साइड में, और वो कॉन्ट्रैक्ट वाली भर्तियों को आंकड़ों में जोड़ देंगे कि देखो
हरियाणा ने इतने रोजगार दिए, दे वॉन्ट ओनली देयर कॉलर्स व्हाइट, दैट्स इट, उन्हें बस ये दिखाना कि हमने इतने रोजगार दिए। देखा, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन पे नहीं है, पूरी तनख्वाह देने में जोर लगता है, रोजगार देने में जोर लगता है, ऐसे नहीं लगेगा ज्यादा, योग्य अभ्यर्थी को ढूंढने में जोर लगता है, एग्जाम करवाने में जोर लगता है। हमें नहीं चाहिए प्राइवेट, हमें चाहिए सरकारी शिक्षा, हमें चाहिए बढ़िया सरकारी स्कूल, ताकि हम अपने बच्चों को कम पैसों में उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बस मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सब लोग इसके बारे में गंभीरता से सोचेंगे, गंभीरता से पूछेंगे अपने अपने नेताओं, मुख्यमंत्री, मंत्री, जिससे भी, जब भी, जो भी इलेक्शन कैंपेन के लिए जैसे भी पहुंच रहा है, आगे पहुंचेगा कुछ भी, तो उनसे ये सवाल जरूर करना है। और ये अनुबंध पे भर्ती नहीं होने देनी है, ये नहीं होने देनी है, ये होगी तो बस फिर कुछ नहीं है। तो आप सबको इकट्ठे एक साथ आना पड़ेगा, इसके लिए ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करेंगे, उसके लिए कोई रणनीति बनानी है, जिसमें जेबीटी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, आरोही, आप सबको पार्टिसिपेट करना है, हर एक शिक्षक को, हर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना है। ये कब करेंगे मैं अपने पेज से अनाउंस कर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।